दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नागा पीस अकॉर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू अ वेरी गुड डे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नागा पीस अकॉर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के, ठीक है। और बेसिकली ये न्यूज़ के अंदर में क्यों है, क्योंकि 31 अक्टूबर जो है डेडलाइन सेट की थी यूनियन गवर्नमेंट ने कि नागा पीस टॉक्स को जो है कंक्लूड करना है। वो कंक्लूड भी हो गई है, ख़त्म भी हो गई है, लेकिन वो जो डिस्प्यूट्स थे उसके अंदर से वो पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। मतलब कि एक क्लैरिटी नहीं है आगे क्या होगा, यानी कि वो जो ख़त्म हुए हैं वो ख़त्म हुए हैं एमबीबीएस नोट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या टाइमलाइन रही है नागा कंफ्लिक्ट की और उसकी पीस टॉक की पूरा मैटर क्या है। सबसे पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये जो पीस टॉक्स हुई हैं इनके अंदर क्या क्या नोट्स निकले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्लाइड से समझते हैं कि क्या टाइमलाइन रही है। सबसे पहले 1881 पर हम आते हैं। 1881 में नागा हिल्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनते हैं। फिर उसके बाद 1918 में पहला साइन ऑफ नागा रेजिस्टेंस दिखता है, यानी कि पहला ऐसा साइन जब नागा पीपल जो है रेजिस्ट करना शुरू करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और उसी के साथ फॉर्मेशन होता है नागा क्लब का, जो साइमन कमीशन को 1929 में कहता है कि आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, टू लीव अस अलोन टू डिटरमाइन अवर आवर सेल्स एज इन द एंशियंट टाइम, यानी कि आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम अपना फ्यूचर अपने आप डिसाइड करेंगे जैसा हम एंशियंट टाइम्स में करते थे। 1946 में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है नागा नेशनल काउंसिल NNC का अंडर द लीडरशिप ऑफ अनगामी जापू हिजो, ठीक है। हिजो के अंडर में जो है फॉर्मेशन होगा NNC का, और हिजो ही नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करता है 14 अगस्त 1947 को। 1951 में क्या होता है, जो NNC होती है वहां पर एक सोवर्जन नागा स्टेट, एक संप्रभुता वाली एक नागा स्टेट का फॉर्मेशन करता है और वहाँ पे रेफरेंडम करवाता है, जिसके अंदर 99% लोग जो है सपोर्ट करते हैं कि नागालैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री बननी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहिए। 1952 में क्या होता है, जो हिजो है आपका वो NFG यानी कि नागा फेडरल गवर्नमेंट का जो है गठन करता है, और उसी के साथ साथ जो है नागा फेडरल आर्मी का जो है गठन करता है। 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्मी भेजती है अपनी नागालैंड के अंदर में, वो वहाँ पे जो इंसर्जेंसी है, जो विद्रोह हो रहा है उसके अगेंस्ट में, और वहाँ पे आफ्सपा लगा देती है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। ये एक्ट जो होता है ये हमारी आर्मी को एक्स्ट्रा प्यूनिटिव पावर्स प्रोवाइड करवाता है, कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर प्रोवाइड करवाता है। फिर 1975 में एक सेक्शन ऑफ NNC लीडर, ठीक है, जो हमारी थी ना नागा नेशनल काउंसिल जो हिजो ने फॉर्म करी थी 1946 में, उस काउंसिल के कुछ नेता जो हैं शिलोंग अकॉर्ड को साइन कर देते हैं, और उसके तहत जो NNC है और जो NFG है वो आर्म्स को गिव अप कर देते हैं। लेकिन ये जो साइन किया था कुछ लीडर्स ने ही किया था, जो अदर कुछ लीडर्स थे, अदर 140 मेंबर्स थे, जिनको लेट जो किया था मुहिवा ने किया था। मुहिवा उस समय पर चाइना में था और उसने जो है मना कर दिया कि हम जो है शिलोंग अकॉर्ड को नहीं मानते हैं, और उसने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN 1980 में। और 1988 में NSCN भी दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, एक हो जाता है इसाक मुहिवा के अंडर में और दूसरा कापलांग के अंडर में। इसाक मुहिवा वाले को कहते हैं IM और जो कापलांग वाले को कहते हैं K। और 1991 में जो हिजो है उसकी डेथ हो जाती है, और IM इसाक मुहिवा वाला जो एक ग्रुप था NSCN का, वो ही एक जो है मेन सोर्स ऑफ इंसर्जेंसी, जितने भी विद्रोह होते हैं उनका एक मेन सोर्स मान लिया जाता है उस रीजन के अंडर में। 1995 में इसाक महुआ वाला ग्रुप था उसकी पीस टॉक स्टार्ट होती है प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी से पेरिस के अंडर में, जहाँ पे मुहिवा सू और अदर लीडर्स उनसे मिलते हैं। और 1997 में इसाक मुहिवा का जो NSCN का जो गठ था, जो गुट था, उसके साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है आफ्टर 80 राउंड ऑफ टॉक्स, ठीक है। और 2015 के अंदर में जो ये NSCN IM था इसाक मुहिवा वाला, ये इस आइडिया को गिव अप कर देते हैं कि नागा एक अलग सॉवरेन स्टेट बनेगा, और वो एग्री हो जाते हैं कि वो इंडियन फेडरेशन के साथ ही सेटलमेंट करेंगे। लेकिन इसके लिए वो डिमांड करते हैं ग्रेटर नागालिम, ये कंसेप्ट निकल कर आता है कि ग्रेटर नागालिम क्या है, वो क्या डिमांड करते हैं कि हमको जो आज की तारीख का नागालैंड है सिर्फ वो नहीं चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ और एरियाज चाहिए जहाँ पर पहले नागा
रहते थे। और वो एरिया किस किस को कवर करता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट उसमें आसाम के आते हैं, कुछ अरुणाचल प्रदेश के आते हैं, कुछ मणिपुर के आते हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है म्यांमार का आता है। तो उन्होंने कहा कि उनकी डिमांड है कि हमें ग्रेटर नागालैंड जो है वो चाहिए, तभी जो है हम सीज फायर जितनी भी पीस टॉक है वो अच्छी तरीके से सेटल डाउन हो पाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये तो आईएम वाला गुट था। एक दूसरा गुट था के कापलांग वाला, वो क्या करता है इन टॉक्स को अपोज करता है। ठीक है, और उसके साथ ही वो वायलेंट मेथड्स को कंटिन्यू रखता है, वहाँ पे अटैक्स होना आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और वहाँ पे इंसर्जेंसीज क्रिएट करना कापलांग पूरी तरह करता रहता है। लेकिन 2017 में कापलांग की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो उसका गुट है उसकी जो पावर है वो वीक हो जाती है। तो ये तो सारी टाइमलाइन थी अब तक की नागा कन्फ्लिक्ट की। अब आगे बात करते हैं कि इस पीस अकॉर्ड के अंदर में आगे क्या हो रहा है और फिलहाल क्या है। अब बात आती है कि इसके अंदर जो ये आईएम वाला ग्रुप था एनएससीएन का, इसाक मोवो वाला, उसने डिमांड करी थी कि जो हम नया अपना सेपरेट जो एक नागालैंड बनाएंगे उसके अंदर हमारा एक सेपरेट नागा फ्लैग होगा और अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अब वो एग्री हो गए हैं, उनके बीच में सेटलमेंट हो गया है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको एक कंडीशनल फ्लैग होगा जो नॉन गवर्नमेंटल पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जम्मू एंड कश्मीर का भी यही मुद्दा था कि उसके पास अपना अलग संविधान था, उसके पास अपना अलग झंडा था, जबकि एक देश के अंदर ये चीज़ें जो है काफ़ी हानिकारक होती हैं। एक देश, एक प्रधान, एक संविधान और एक निशान वाला ही कंसेप्ट अच्छा रहता है। लेकिन इन्होंने जो डिमांड करी है कि हमको अपना अलग फ्लैग चाहिए, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसके खिलाफ ही जो एक टसल था। लेकिन अब इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, एक झंडा चाहिए जिसको भी हम नॉन गवर्नमेंटल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर ये चाहते हैं ग्रेटर नागालैंड में मैंने बताया था कि कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के आ रहे हैं। अब कोई भी जो स्टेट है वो अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ता है, चाहे वो यूपी हो, यूपी से बिहार कहने लग जाए हमको दो डिस्ट्रिक्ट दे दो, नहीं देंगे। तो उसके लिए जो है इसाक महोबा वाला जो एनएससीएन का ग्रुप है उसको जो है मनाना पड़ेगा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम को कि वो डिस्ट्रिक्ट हमें दे दे जहाँ पर उनकी डिमांड है कि ग्रेटर नागालैंड के अंडर में आने चाहिए। अब जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि जो स्टेट है और जो यूनियन है एक साथ मिलकर काम करती हैं, उसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट से नहीं कह सकती कि आप अपनी टेरिटरी का हिस्सा दूसरे स्टेट को दे दो। तो जो एनएससीएन है, जो एनसीएसएन है, उसको जो है परसुएड करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा अदर स्टेट्स को थ्रू डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस। दूसरा, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इस इशू से, पीस जो है नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। बहुत सारे र्यूमर्स वहाँ पे फैल रहे हैं कि जो नागा अकॉर्ड है वो यूनिलेटरली साइन कर दिया गया है, उससे वहाँ पर लो लेवल का वायलेंस जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है इतने लंबे समय तक जो है डिस्टेबलाइज रहा है। बिल्कुल वहाँ पर पीस जो है बिल्कुल ख़त्म था, इतना इंसर्जेंसीज थी, बहुत मुश्किल से जो है वो सॉल्व हुआ था वहाँ पर, और फिर से जो है इन चीज़ों को लेकर के स्टार्ट हो गया है लो लेवल का वायलेंस। दूसरा, इम्पैक्ट कैसे करेगा अदर स्टेट्स को, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ठीक है, वो भी जो है संदेह को लेकर है कि अगर ग्रेटर नागालैंड बनता है, क्योंकि पीस अकॉर्ड तो साइन हो गया है, लेकिन अगर ग्रेटर नागालैंड बनता है तो कहीं ना कहीं जो है इससे रीड्रॉइंग हो जाएगी स्टेट की बाउंड्रीज को लेकर के, और जो भी फाइनल आउटकम होगा उससे जो है स्टेट का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वहाँ के कल्चरल और एथनिक यूनिटी को भी काफ़ी जो है धक्का लगेगा। आगे अगर बात करते हैं जो इंसर्जेंसीज हैं नॉर्थ ईस्ट की, जो ये जो डिमांड है एनएससीएन की, इससे जो है इंसर्जेंसी फिर से स्टार्ट हो गई है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि कुछ जो ट्राइबल है, फॉर एग्जांपल एक ट्राइबल है कुकीज़, और वो कुकीज़ है वो नागा के अगेंस्ट में है और उनको ख़तरा है कि उनके जो हिल्स इसके अंदर से चले जाएंगे अगर नागालैंड बनता है, तो वो उन्होंने इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी है। दूसरा, आसपा को लेकर के वहाँ पर काफ़ी जो है इंसर्जेंसीज ऑलरेडी चलती आ रही हैं और लोगों का जो है फेथ कहीं ना कहीं जो है गवर्नेंस के अंडर से चले जाएगा अगर ये मिसमैनेजमेंट होता है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और एक पीस प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं इतने लंबे समय से जो नेगोशिएशन चल रहा है कि ठीक है 70 साल हो गए अब तक जो है वहाँ का कोई हल नहीं निकला, तो लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी होप्स को जो है लूज कर देते हैं और इससे काफ़ी गलत इम्पैक्ट्स पड़ते हैं।
इसके अंदर में अगर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को जितने भी इश्यूज जिनके ऊपर जो कन्फ्यूजन है उनको जो है बिल्कुल अच्छे से एड्रेस करना चाहिए और जो भी कन्फ्यूजन है उसे हटाना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो है गवर्नमेंट को बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए बाय डिक्लेयरिंग डेडलाइंस। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बुला करके बात करनी चाहिए, चाहे वो नागालैंड स्टेट के अंदर में हो चाहे वो बाहर में हो, ठीक है, क्योंकि एक पीस प्रोसेस है और इसके अंदर हर किसी को सेटिस्फाई करना जो है बनता ही बनता है। तीसरा, इसके अंदर क्या है कि जितने भी अदर सेंसिटिविटीज़ हैं उनको बिल्कुल माइंड में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुकीज़, मैंने बताया था कि एक ट्राइब है जो मणिपुर में रहती है और उनका जो है टसल है नागास के साथ में। अगर वो नागालैंड का हिस्सा जो इस टाइम मणिपुर के एंड में आ रहा है जहाँ पे कुकीज़ रहती हैं वो नागालैंड के हिस्से में चले जाता है तो बिल्कुल वो कुकीज़ जो है नागा की डोमिनेंस को अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो और इंसर्जेंसी होगा, वो और गवर्नमेंट के खिलाफ जो है इंसर्जेंसी को बढ़ावा देगा। सो डेट इज़ ऑल, ये टाइमलाइन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। सो डेट इज़ ऑल विद दिस वीडियो। आई होप आपको ये पूरा जो मैटर है अच्छे से समझ आया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, ऑल द बेस्ट।